आज का जो कैरेक्टर है उसने अपना बर्थडे कुछ आई थिंक 6 या 7 साल से नहीं बनाया, क्योंकि वो सुहानी से अलग था और यू नो ही वाज इंटरनली हैप्पी नहीं था. तो दिस इज़ अ बर्थडे वो कुछ 7 साल बाद सेलिब्रेट कर रहा है एंड अभी भी देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्स्ट. बेचारा तो नहीं है, खतरा एक नंबर का. लेकिन अभी भी आई थिंक वो कहीं ना कहीं सैड है. और ये बर्थडे एक्चुअली वो युवान के लिए मना रहा है, बिकॉज युवान ने उसे आके कन्विंस किया, भावना ने आके कन्विंस किया, शरद ने आके कन्विंस किया कि इस बार सब लोग साथ में हैं तो मनाना चाहिए. तो आई गेस इट्स स्पेशल नॉट जस्ट फॉर युवराज बट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड डेकोरेशन बट आई थिंक इट्स क्यूट. मिर्ची लाइट्स मेरी फेवरेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट्स यहाँ पे मिर्ची लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स बहुत क्यूट लगती हैं मुझे. मेरे घर पे भी कुछ हैं मिर्ची लाइट्स एंड जहाँ पे भी मिर्ची लाइट लग गई फॉर मी इट्स वेरी नाइस. अगर सुहानी ने प्लान किया क्योंकि युवराज और सुहानी इस वक्त उस फेज से जा रहे हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से बात ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं. तो अगर ऐसा कुछ प्लान है तो वो सुहानी का सरप्राइज़ होगा जिसके बारे में युवराज को कोई आइडिया नहीं है, पर आई होप हो बताएगा. दोनों सेपरेटेड है, दे डोंट लिव टुगेदर, साथ रहते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी. और क्या सुहानी अगर खुश भी होगी तो मेरे ख्याल से वो दिखाएगी नहीं, क्योंकि अभी युवान को युवराज मुझसे दूर ले जाने की कोशिश में है तो वो बहुत नाराज़ है. तो खुश तो होएगी, आज उसका इतना ज़रूरी दिन है, खुश है, लेकिन वो अपनी खुशी शायद सबके सामने दिखाएगी नहीं. युवराज को हर साल सुहानी बर्थडे पे एक कैसेट देती थी जिसके अंदर उसके मनपसंद गाने होते थे या उसकी फीलिंग्स होती थी जो वो युवराज को बताना चाहती थी. पिछले 6 सालों से उसने सारे कैसेट रखे हैं संभाल के, एक एक हर साल के. इस बार भी उसने एक कैसेट संभाल के रखा है, पर वो दे पाएगी नहीं दे पाएगी ये पता नहीं.